Learning. Today, Sundar Sarooj is here with you guys to teach you the use of three words. These three words are between, among, amongst. These three words have the same meaning. इन तीनों लफ्जों का मतलब एक ही है but they have different use. लेकिन इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है. So let's learn their use. Between, among and amongst का मतलब दरमियान में या बीच में है. Between, दरमियान में या बीच में तब इस्तेमाल होता है when we talk about two things, जब हम दो चीजों की बात करते हैं. For example, मेरा घर मस्जिद और मार्केट के दरमियान है. My house is between mosque and the market. Now, mosque or market are two things. ये दो चीजें हैं, so मैंने between इस्तेमाल किया. Among. Among is used when we have more than two things but the quantity is known. Among तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास दो से ज़्यादा चीज़ें हों मगर उनकी क्वांटिटी मालूम हो. For example, वो 50 आदमियों के दरमियान खड़ा है. He is standing among 50 people. यहाँ पर 50 आदमी यानी कि नोन क्वांटिटी थी, सो वी यूज्ड अमंग. अमंगस्ट, अमंगस्ट इस्तेमाल किया जाता है जब दो से ज़्यादा के बारे में बात की जाए मगर उनकी क्वांटिटी अननोन हो यानी कि हमें मालूम ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई बहुत से लोगों में खड़ा है. माय ब्रदर इज स्टैंडिंग अमंगस्ट मैनी पीपल. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा.